कपड़ा करके हमरा दे बिहार में भले नीतीश कुमार ने शराब बंदी कर रखी हो, लेकिन बिहार में शराब खुलेआम बेची भी जा रही है और शराब की वजह से लोग एक दूसरे की जान भी ले रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां एक बाप ने शराब के नशे में अपने बेटे का ही गला रेत कर हत्या कर दी। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के पिढौली गांव की है। बताया जाता है कि पिढौली गांव निवासी सुधीर कुंवर नशे का आदि था। कल शाम सुधीर कुंवर शराब पीने के लिए अपने पुत्र 35 वर्षीय सुनील कुमार से पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन सुनील ने उसे पैसे नहीं दिए। कुछ देर के बाद सुधीर शराब के नशे में बेटे के पानी प्लांट पर पहुंचा और पैसे और शराब पीने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद पिता ने पुत्र को तेज धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसका पिता बहुत ही बड़ा ड्रिंकर था, दारूबाज था और आज शाम में लगभग 6 बजे रोज तंग करता था, पूरे परिवार को तंग करता था, पत्नी को पीटता था, बच्चा को पीटता था। डेली का उसका यही काम था, दारू पी के घर में दंगा फसाद करना। इसका घर विरोध करता था, इसकी पत्नी विरोध करती थी, इसका दोनों बेटा विरोध करता था, पुतौह विरोध करती थी। इस बात से सब लोग तंग थे उससे। आज शाम में कहीं से दारू पी के आया, मतलब उनका लड़का बैठा हुआ था पीछे से आया और पीछे से बात कुछ हुई दोनों में, तो कुछ लड़का बोला जो नहीं दारू के लिए पैसा नहीं देंगे, खाना पुरता नहीं है, दारू के लिए कहाँ से पैसा दें। इसी बात पे उसके हाथ में हंसुआ था, पीछे से चला दिया, पीछे से चला दिया, गर्दन पे चला दिया, गर्दन उसका कट गया और मर गया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि सुशासन बाबू की सरकार में शराब प्रशासन की नाक के नीचे बेची जा रही है। ऊपर ऊपर उठा।